गाइस वेलकम बैक। भाई और कुछ होना हो इंडिपेंडेंस डे पर, स्त्री 2 का ब्लॉकबस्टर होना कंफर्म होता चला जा रहा है विद ईच पासिंग आवर। बहुत जबरदस्त ट्रेंड शो कर रही है फिल्म का, अभी तक का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया आया है। अभी नंबर्स कहां तक पहुंचे हैं, साथ साथ में बुकमार्क शो पे क्या चल रहा है, क्या 14th या 15th कौन सा दिन होने वाला है जिस दिन पर स्त्री 2 धमाका करने वाली है, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को देखो, चैनल को सब्सक्राइब। देखो यार, यूजुअली ये जो टाइम होता है इंडिपेंडेंस डे का, जो वीकेंड होता है वो हमेशा से एक बहुत बड़ा वीकेंड माना जाता है। लास्ट ईयर गदर 2 रिलीज हुई थी, गदर 2 से पहले और पहले अगर हम चले जाएं तो उस टाइम पर कार्तिकेय 2 और लाल सिंह चड्ढा का क्लैश हुआ था, जिसको देखते हुए कार्तिकेय 2 जो है उसने बहुत ही बढ़िया पानी पिलाया था लाल सिंह चड्ढा, इतनी बड़ी फिल्म थी वो। लेकिन इतनी बड़ी स्टारकास्ट के होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी वो फिल्म नहीं चली। कार्तिकेय 2 का कॉन्टेंट बहुत अच्छा लोगों को समझ में आया, बहुत पसंद आया। साथ साथ में रक्षाबंधन भी रिलीज हुई थी, उसने भी धूल फांकी। लेकिन इस बार जो फिल्में रिलीज हो रही हैं, 3 फिल्में जो रिलीज हो रही हैं उनमें स्त्री 2 ऑलरेडी बाकी दोनों पुरुषों पर बहुत भारी पड़ रही है, जो कि खेल खेल में और दूसरी है वेदा। ये दोनों ही एक्टर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो अक्षय कुमार का तो काफ़ी लंबे समय से कोई भी उन्होंने ब्लॉकबस्टर छोड़ दो हिट ही नहीं दिए अभी तक भी। इस साल में भी डिजास्टर दी थी BMCM, उसके बाद सरफिरा ने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया, इसके चलते वो फिल्म का बस काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वेदा की, क्या वेदा का नंबर बेटर आने वाला है खेल खेल में से, वो हमको समय के साथ ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो एक चीज़ है वो देखने में या देख करके अच्छा लगता है, वो है कि स्त्री 2 का अगर आप बुकमाई शो ओपन करके देखोगे, मैं आपको नंबर तो बताऊंगी, उससे पहले बुकमाई शो पे अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, दिस ट्रेंड एज यू कैन सी दिस ऑरेंज कलर इन दिल्ली NCR, भाई ये ऑरेंज कलर दिल्ली NCR में बहुत मुश्किलों से आता है। बहुत बड़ी स्टारकास्ट हो तब आता है, फिल्म का बजट बहुत बड़ा हो तब आता है, लेकिन स्त्री 2 का एक ऑन ग्राउंड बस बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स की अगर आपको रेफरेंस हो, वहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी जितने भी मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं वो सबके सब स्त्री 2 को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बुकमार्क शो के इंटरेस्ट रेट की बात करती हूँ तो 2,20,000 इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं मुझे इस टाइम पर। 2,000 टिकट्स बुक हो रही हैं एक घंटे में, लेकिन आज मंडे है, फिल्म रिलीज़ हो रही है वेंसडे नाइट को ही रिलीज़ हो जाएगी फिल्म 9:30 पे। मगर जो मेन ट्रेंड है, मेन जो इस फिल्म को नंबर आएंगे, फुटफॉल आएंगे, एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन ऑन 15th ऑफ अगस्त ऑफिशियल रिलीज डेट पर। अब बात करते हैं कि कल से अब तक का प्रोग्रेस कितना है। देखो, कल मैंने आपको जो लास्ट नंबर बताया था वो 2.72 करोड़ का था, लेकिन क्या आप सोच सकते हो कि रात से सुबह तक का जो ट्रेंड होगा, रात से सुबह तक का जो नंबर होगा वो ऑलमोस्ट डबल के आसपास का नंबर हो जाएगा फॉर अ फिल्म लाइक दिस, जिसमें जैसे कह रही हूँ कि कोई ऐसी स्टारकास्ट नहीं है, राजकुमार राव है, श्रद्धा कपूर है, तो ऑफकोर्स दे आर गुड एक्टर्स बट देन दे नॉट वो सुपर मेगा स्टारडम वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखो, कंटेंट सबसे बड़ा किंग होता है यहाँ पे, और यहाँ पे अब तक की एडवांस बुकिंग 4.11 करोड़ की हो चुकी है, 1,24,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं, 270 रुपये एवरेज टिकट प्राइस, और 5,000 के आसपास इस फिल्म के शोज हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर आई हैव ट्रैक्ड इन दीज इयर्स, जो भी एक्सपीरियंस है उससे मुझे इतना पता चलता है कि इस फिल्म के पास 10,000 से 12,000 शोज होने वाले हैं जब ये रिलीज होगी 15 अगस्त को, मेनली 15 अगस्त को, उस टाइम पर इस फिल्म के पास शोज की कमी नहीं होगी। और एक चीज़ जो इसके लिए पॉजिटिव जाएगी वो है इसकी 14th ऑफ अगस्त को स्पेशल शोज, जहाँ से ऑलरेडी वर्ड ऑफ माउथ एक अच्छा आना स्टार्ट हो जाएगा इस फिल्म का। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये कंटेंट पर निर्भर करेगी क्या ये फिल्म, ऐसा होगा तो सही, कंटेंट पर तो निर्भर करेगी, लेकिन इसका कंटेंट ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेबल है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा रॉकेट साइंस वाला नहीं है कि अब हमने पहले कहीं पर छोड़ी थी कहानी, अब यहाँ पर उसमें कुछ और बड़े ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे, यस एक नया एंगल है सरकटा का, लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं है जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। प्लस देयर इज अ कॉमेडी का तड़का, एंड जो हमने पिछली स्त्री में जो जिस तरीके की कॉमेडी देखी थी, पंकज त्रिपाठी है साथ में, अभिषेक बैनर्जी है, जिस तरीके का वो एक नॉस्टैल्जिक वाली जो चीज़ है ना वो यहाँ पर वर्क करेगी। तो जैसे मैं कह रही हूँ, कंटेंट तो है लेकिन एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर यहाँ पे बहुत आने वाला है। प्लस द सिनेमैटिक यूनिवर्स जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें हमने वरुण धवन का एक गाना देखा है, मतलब भेड़िया इंटू स्त्री, वो वाला जो एंगल है वो ऑडियंस को बहुत अपील कर रहा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में कि यार मतलब यस दिस इज समथिंग दैट वी रियली वॉन्टेड टू सी, कि जिसमें हम अपना एक हॉरर का सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट हो रहा है, हॉरर कॉमेडी का, उसको देख करके लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे, वर्ड ऑफ माउथ इसका बहुत अच्छा ही आएगा इन एनी केस, वट एवर द स्टोरी विल बी, वट एवर द कैरेक्टर्स विल बी डूइंग, जो भी VFX होगा वो सब तो बात की बात है, एक तरीके का ये इट्स लाइक यू आर मीटिंग योर ओल्ड फ्रेंड अगेन, वो वाली फीलिंग होने वाली है स्त्री को लेकर। तो भाई कन्फर्म्ड है इसका, इस फिल्म का तय है कि ये बहुत अच्छा ट्रेंड शो करेगी, बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छी बहारें लेकर के आएगी। लेकिन डे वन में क्या होगा, डे वन के नंबर्स में क्या होगा, क्या 20-25 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है, उठा सकती है? अब लग रहा है कि ये फिल्म बहुत ईजिली ऐसा कर सकती है। एक चीज़ और होती, अगर इस फिल्म को और फॉर्मेट्स में रिलीज़ किया जाता, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये 3D में आती फिल्म, अभी तक तो मुझे आइडिया नहीं है कि 3D में आ रही, लेकिन अगर ये और फॉर्मेट्स में आती तो ये कमाई और भी अच्छी करती। बट आई एम श्योर कि मास पॉकेट्स में
इस तरीके की टिकट प्राइसिंग होना जो बहुत अफोर्डेबल है, जिसको लोग देखने जाएंगे, लोगों को भारी नहीं लगेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होना था और हो भी रहा है। मेकर्स ने उस चीज़ को बहुत ध्यान भी दिया है, तो एक अच्छी बात है कि इस फिल्म का इस वक्त पर बस जो है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। एवरेज टिकट प्राइस की अगर मैं आपसे बात करूँ, सिंगल स्क्रीन की अगर मैं आपसे बात करूँ इन अ अर्बन सिटी, तो यहाँ पर अगर मैं दिल्ली की बात करती हूँ तो लिबर्टी सिनेमाज है, अम्बा है, या डिलाइट सिनेमा आसफ अली रोड है, यहाँ पर ना 75 रुपये से टिकट प्राइसिंग स्टार्ट होती है और 150 रुपये 180 तक जाती है, दैट्स इट। बट मासेस के लिए या लोअर मिडिल क्लास वाली जो जनता है उनके लिए, या लोअर क्लास वाली जो जनता है उनके लिए ये बहुत ठीक प्राइसिंग है, ना बहुत ज़्यादा भारी और ना ही बहुत ज़्यादा कम। तो 70 रुपये तक में स्टॉल आप बुक कर सकते, स्टॉल में एक टिकट बुक हो सकती है, आई थिंक बहुत बढ़िया चीज़ है ये, बहुत ही बढ़िया। और ये इस तरीके के गाने, इस तरीके का यू नो डांसिंग और ग्लैमर फैक्टर जो श्रद्धा कपूर का है इस फिल्म में, आई थिंक वो मास ऑडियंस को बहुत अपील करने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट हो सकती है फॉर दिस मूवी, बिकॉज अगेन कॉमेडी भी है, हॉरर भी है, एक तरीके का मिर्च मसाले का तड़का है, साथ साथ में कहीं कहीं पर कॉमेडी का रिलीफ है, तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी। हाँ, जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं वो शायद डर सकते हैं, बिकॉज इसमें सर्कटर का जो एक आज जो सीक्वेंसेस है वो थोड़ा डरा सकते हैं, लेकिन मुझसे पूछो आप तो एक जो ऑडियंस है अबव 13 ईयर्स वाली वो बहुत आराम से इस फिल्म को एंजॉय करेगी। एंड ऑफकोर्स द म्यूजिक फैक्टर, द नॉस्टैल्जिया फैक्टर ऑफ स्त्री इंटू वरुण धवन भेड़िया इंटू हमारे राजकुमार राव, तो वो सब चीज़ें बहुत अपील करिए मासेस को। क्या लगता है आपको, आपके हिसाब से फिल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर क्या हो सकता है? अभी ये फिल्म इतनी ज़्यादा दोनों फिल्मों पर भारी क्यों पड़ रही है स्त्री? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, थम्स अप, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।